अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। मैं जैसे कि आप जानते हैं तलहा जुबैर, और मैं ना आपके टीचर जो है ना वली मेहरान साहब, जो कि रिफा इंटरनेशनल कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते रहे हैं, अब खैर प्रिंसिपल आ गए हैं अपने, उन्होंने मेरे से वादा किया था कि मैं तुम पार्टी दूंगा, उन्होंने पार्टी नहीं दी अभी तक। अभी आप उनके पास ही जा रहे हैं, मैं अभी आपको उनके पास ही लेके जाता हूँ। जा रहा हूँ मैं, देखा सर ने पार्टी ना सर को पकड़ लिया। अभी अभी आपका भाई वली साहब के घर के बाहर पहुंचा है। हाँ उधर ही खड़ा हूँ, वो देखें वली साहब भी आ गए, वो आ रहे हैं। अब देखते हैं सर हमें पार्टी देते हैं कि नहीं देते। ये देखें कितने गुस्से में आ रहे हैं। बेटा पार्टी का तो पता नहीं है। आजी, क्या कह रहे हैं? क्या सर? बेटा जैसे तेरी शक्ल है ना, शक्ल तुझे तुझे पार्टी तुझे ज़कात बनती। जी काफी देर बाद बहुत इसरार करने के बाद वली साहब मान गए हैं। वली साहब मेरे पास बैठे हैं, इंटरव्यू देने के लिए राजी नहीं थे हो रहे। मैंने कहा नहीं सर, रिफा के जो गर्ल्स एंड बॉयज़ हैं उनकी बड़ी उम्मीदें हैं आपके साथ, इंटरव्यू आपसे लेने ही लेना। तो सर ने इंटरव्यू भी दिया, सर ने खाना भी खाया, अभी खाना आने वाला है। ये देखें सर की ऐनक, वही पुरानी। सर आप बताइए आपने रिफा क्यों छोड़ा? असल में तुम जैसी चवलों को पढ़ा पढ़ा कर मेरा पढ़ाने से ना यकीन ही उठ गया था। मैंने बोला कि ऐसी ऐसी जनरेशन को अगर मैंने पढ़ाना तो मैंने पढ़ाना ही नहीं। क्या बात है यार, ये मुझे बात नहीं, ये आप लोगों को बात हुई है ऐसी चीजों से नहीं। वली साहब से हम पूछते हैं कि सर आपको रिफा में जो आपने 3-4 साल पढ़ाया, आपको मतलब कि अपने करियर में कोई गलती रिफा के अंदर महसूस हुई हो जो मतलब कि आप चाहते हैं कि नहीं होनी चाहिए रिफा में? यार ये देखो रहता आगे गिरने लगा था। अच्छा ये सर से हम पूछते हैं, सर आपको रिफा में जो इनका करियर था 4-5 साल का, वो कैसा लगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुजरा वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि एक मेरी कामयाबी के अंदर या आज मैं जहाँ पे भी हूँ उसके अंदर रिफा का एक बहुत बड़ा हाथ है। हाँ जी रिफा का। अब ये तूने चवल मारी। अच्छा मतलब तू शुगर लगाएगा, तू भी सीख करेगा और अगला बंदे चुप करके बैठ जाएगा, ये अपलोड होना चाहिए। जी वली साहब से पूछते हैं कि इनको रिफा में जो इनका 4 साल या 5 साल का करियर था रिफा में, उसमें इनको कोई गलती तो नहीं महसूस हुई के? कोई सवाल नहीं सुना मेरे यार, सवाल कौन सा पूछे, आपने भी कमेंट में नहीं बताया। सर से पूछते हैं, सर आपका रिफा के अंदर एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैंने 3 साल गुजारे हैं जी रिफा के अंदर, और माशाल्लाह मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के अंदर मैं समझता हूँ कि मेरे वो 3 साल का टेन्योर जो कि मैंने रिफा के अंदर गुजारा, उसकी छाप है, उसका एक इन्फ्लुएंस है, वो रहेगा। मैंने बहुत कुछ सीखा और एक बहुत अच्छा वक्त गुजरा बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल साहब के साथ, और आई विल से टू बी अ गुड एक्सपीरियंस। प्रिंसिपल साहब से याद आया, आपकी प्रिंसिपल साहब के बारे में क्या राय है? देखिए जी हर शख्स आपको अपना इंडिविजुअल एक्सपीरियंस शेयर करेगा आपसे। एज फार एज माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, आई वुड से कि प्रिंसिपल हुसैन रजा साहब हैज ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी, एक बहुत ज़्यादा अच्छा वर्किंग एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। अब कोई भी जो शख्स होता है वो जब एक मैनेजरियल सीट पे बैठता है तो सम टाइम्स वो आप भी मेरे हाल से मैनेजमेंट सीट पे ही आप जी, सम टाइम्स वो मैनेजर कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जो कि मैं समझता हूँ कि क्लासेस में बैठे हुए स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, व्हिच दे टेक अल्टीमेटली इन अ रॉन्ग वे। तो आई वुड से कि ऑल इन ऑल ही इज अ गुड पर्सन, और बट टाइम हैज नॉट बीन वेरी काइंड टू हिम।
जिस वजह से आप कह लें कि लोग उनको सख्त समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छे मैनेजर हैं एंड मोस्ट ऑफ ऑल वो एक अच्छे इंसान हैं। ठीक हो गया। तो सर आपसे पूछते हैं M2 के हवाले से आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। M2 के हवाले से नो कमेंट्स। असल में सर ने कमेंट्स पास कर देने थे, लेकिन सर को रोटी की जल्दी है। रोटी आई है, ये देखें मलाई बोटी है पड़ी है, ये चटनी पड़ी है, ये रोटी पड़ी है, ये देखें। असल में मैं चाह रहा था कि मैं खाने से पहले शैतानों का नाम ना ही लूं। ठीक हो गया। ये मैं M2 से नहीं हूँ, मैं आपसे का स्टूडेंट। ठीक है, ये क्लास का है ही नहीं, सारे भी बताएंगे। अच्छा सर ये बताएं कि आप टीचर्स के मतलब के रवैया आपके साथ कैसा रहा? बीइंग अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मैं समझता हूँ कि मेरी टीचर्स के साथ बड़ी अच्छी कोऑपरेशन रही और दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह हमने ये वक्त बड़ा अच्छे से गुजारा। एक बहुत ज़्यादा अच्छा बाउंड है मेरा उनके साथ, इंशाल्लाह वो रहेगा भी। दुआ को हूँ सबके लिए, अल्लाह ताला उन सबको अपनी ज़िंदगियों में ज़रूर कामयाब इंशाल्लाह। यार देखें आपके लिए सिर्फ मैंने सर को इतनी दूर से पकड़ा और सर से रोटी खा ली, मज़ा नहीं आ गया रोटी। अब सर से मैंने रोटी खा ली है, सर ने मुझे रोटी खिलाई है, सर ने मलाई बोटी खिलाई है, सर ने चिकन टिक्का खिलाया, सर ने दो चिकन पकौड़ा भी खिलाया। चिकन पकौड़ा हम आपको इसलिए नहीं दिखा सके क्योंकि वो बाद में आया था। तो सर से पूछते हैं सर खाना खिलाने के बाद आप कैसा लग रहा है? देखें जी अच्छा तो नहीं लग रहा आपको खाना खिलाने के बाद, लेकिन चले खुशी इस बात की कि चले इस महीने की ज़कात निकल गई। तो यार काट। असल में ना सर को मेरी बिस्ती करने के बाद अच्छा लगता, तो फिर मैं भी कहता हूँ सर बिस्ती कर ले। सवाब सवाब का काम है, सवाब का काम नहीं, सवाब का काम नहीं है इसकी मुझे क़यामत के दिन अलग नेकियां मिल रही है। ठीक हो गए। अब अपनी फसल से हुए उसके बाद आप किस पोस्ट पे हैं या किस कॉलेज में आप गए हैं, कोई अपने स्टूडेंट्स बताएंगे रिफा के? देखिए जी मैंने रिफा को छोड़ा नहीं बिल्कुल भी, मैं अभी भी उन स्टूडेंट्स के साथ हूँ। बातें ये बात है, बातें करना भी बड़ी बात होती है वैसे। उनके साथ अभी भी मेरी दुआएं हैं और वेल विशेज हैं उनके साथ। एज फार एज क्वेश्चन इज कंसर्न, रिफा के बाद रिफा से अभी मैंने जो कॉलेज ज्वाइन किया है डेट इज कनकोडिया कॉलेज, द वेरी फर्स्ट कॉलेज। क्या सर आपने कहा? कनकोडिया कॉलेज द फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट कॉलेज इन जिलाबू भटिया, और वहाँ पे मैं बतौर प्रिंसिपल मैंने उस कॉलेज को ज्वाइन किया। ये सवाल इसलिए सीरियस हुआ क्योंकि सर ने कहा था सीरियस भाई जवाब देना है, नहीं तो सर को ये मैंने बताया सर आपने ये बोला सवाल के जवाब के अंदर, नहीं तो सर को नहीं था पता ये बोलना। अब अगर सच बोल ही रहे हैं तो मैं ये बताता जाऊं कि खाना इसी ने मुझे खिलाया। खाना सर ने खिलाया। ये देखो सर के पास बिल भी है, ये ना बिल ही दिखा दो, ये देखो बिल भी मैंने इसको दे रहा है, ये सर ने खिलाया खाना। सर आप ये बताएं कि दीपा के स्टूडेंट्स को आपको पैगाम देना चाहेंगे? जी एक्चुअली आई एम नॉट इन अ मूड कि मैं कोई एडवाइस करूं, क्योंकि एक बड़ी इनफॉर्मल सी गुफ्तगू चल रही है। इनफॉर्मल नहीं है, हाँ लेकिन बहुत सीरियस है। लेकिन तीन साल रिफा के अंदर बहुत सीरियस, हाँ तीन साल रिफा के अंदर गुजारे, बच्चों के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, बच्चों से इज्जत मिली बहुत ज़्यादा, प्यार मिला बहुत ज़्यादा। तो उन सब के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी अगली आने वाली जिंदगी में कामयाब करे और इंशाल्लाह इंशाल्लाह और ऐसी मुसीबतों से उसे उन्हें जो है वो हमेशा बचाता रहे। हाँ ये सर की मैं उनकी का लैंड छोड़ दी फोन, अगला इंटरव्यू फिर करेंगे। अगला इंटरव्यू बत्ती दो बाद। बत्ती दो बाद।